फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ए मैन ए वूमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वूमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ ए डे। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आदमी यानी वन मैन काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन। एक वूमेन काम को कितने दिन में करती है? 4 दिन। और एक चाइल्ड 12 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप? टोटल वर्क रहेगा एलसीएम इनका, तो एलसीएम क्या है? 12। तो कैपेसिटी निकालिए इनकी कितनी है? 4 यूनिट, इसकी है 3 यूनिट और इनकी है, बच्चे की है 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों यानी बच्चों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, समय बराबर होता है काम मतलब टोटल वर्क बटे क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी। तो समय कितना दिया हुआ है? 1/4, यानी हमें 1/4 दिन में काम कंप्लीट करना है। काम कितना है हमारा? 12। तो क्षमता क्या रहेगी यानी कैपेसिटी क्या रहेगी? कैपेसिटी रहेगी 4, इधर चला जाएगा, और क्षमता इधर यानी कैपेसिटी इधर, तो कैपेसिटी रहेगी 12 × 4 = 48। अब अगर हम चाहते हैं कि पूरा काम 1/4 दिन में खत्म हो, तो हमें 48 यूनिट एक दिन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्पीड से काम करना पड़ेगा। अब हमारी कैपेसिटी क्या होगी? 48। लेकिन काम कितनों को करना है? एक मैन और एक वूमेन प्लस कितने चाइल्ड हो रही है, चाइल्ड हमें निकालने हैं, ये नहीं पता हमें। ठीक है, लेकिन हमें टोटल वर्क पता है कि एक दिन में हमें 48 करना है। अब एक मैन और एक वूमेन एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 3 = 7 यूनिट। अब देखिए, 4 और 3 = 7 यूनिट तो कर लिया इन दोनों ने काम। ठीक है, तो बचा कितना? 41 यूनिट। 41 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 41 यूनिट काम हमें किससे करवाना है? चाइल्ड से। अब एक चाइल्ड एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 41 एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 41 यूनिट। अब हमसे पूछा गया यही था कि जो काम है 1/4 दिन में कंप्लीट करना है, तो एक आदमी एक औरत के साथ कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी? 41 बच्चे, यानी 41 चाइल्ड इज द राइट आंसर।